हाँ, तो फेडेक्स ने इस तरीके से डिलीवरी किया। इसको देखो, अभी ये यहाँ पे सील जो है ब्रोकन है, और अंदर नहीं लगता कि कोई फ़ोन का बॉक्स है अंदर। मुझे नहीं लगता अंदर कोई फ़ोन का बॉक्स होगा। ये लेना मेरे लिए मतलब दिक्कत हो जाएगा। एक तो वहाँ पे 17,000 का प्रोडक्ट, 3,000 का कुरियर चार्ज, फिर 9,500 का कस्टम ड्यूटी देने के बाद ये कटा हुआ फटा हुआ बॉक्स मिलता है हमें। ऐसा डिलीवरी करता है ये फेडेक्स। यहाँ पे डिलीवरी पर्सन जो है, डिलीवरी कुरियर इंडिया में ये लाए हैं, ये बहुत ही जल्द सर्विस दे दिए, थैंक्स फॉर दैट आप लोगों को। लेकिन ये फेडेक्स ये काम कर रहा है, देखो आप ऐसा काम कर रहा है ये। अभी अंदर से नहीं लगता कि फ़ोन का बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये है वो पैकेट फेडेक्स की तरफ से, फेडेक्स एक्सप्रेस लिखा हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद ये पैकेट हमें मिला, लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पे ये पैकेट का सील काटा गया है। और ये पैकेट मैंने लॉटरी के हिसाब से ले लिया कि कुछ हो ना हो, क्या हो इसके अंदर कुछ पता नहीं। जैसे कि मुझे खाली आप लोगों से एक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि आप अगर बाहर से कुछ चीज़ें मंगा रहे हो तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा हांगकांग का एड्रेस है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है मेरे एड्रेस पे। लेकिन आप ज़रा बच के रहिए कि वो आपका सेलर जो है वो कुछ भी करे, लेकिन ये फेडेक्स यूज़ ना करे। टोटल पेमेंट वगैरह करने के बाद $39 ऑलमोस्ट 3000 प्लस अमाउंट फेडेक्स को पे करने के बाद फेडेक्स का पैकेट इस हालत में आ चुका है। ये कोई इलीगल काम नहीं है, लीगल काम है, कस्टम से क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे दूसरे पैकेट भी तो कस्टम से क्लियर हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? इससे पहले ओनली फेडेक्स के साथ जब भी आता है कोई पैकेट तब भी ये दिक्कत पेश आता है। फिलहाल अभी आपको क्या लगता है इसके अंदर कुछ होगा? चलिए देखते हैं क्या हालत में ये पैकेट आया है। मैं इसको कुछ कैंची वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे लाइटली जो, क्योंकि इस पैकेट को हाथ से खोला गया है, फिर ये ओपन बाय कस्टम CUSTOM ऐसा कुछ तो भी है, तो इसको हाथ से खोलने की कोशिश करता हूँ। वो लोग फिर से दोबारा इसको चिपका दिए हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कस्टम्स लिखा हुआ है, देखो आप कस्टम्स की तरफ से ये पैकेट है। चलो कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, आईफोन नाम का चीज। तो फिर से वही बता दूँ क्लीन टेबल पे एक बार के 42% इन द सेंस 17,000 का प्रोडक्ट है, 3,000 का इसका कुरियर चार्ज लिया इन्होंने, उसके बाद मैं 9,500 पे कर रहा हूँ कस्टम्स को क्लियर करने के लिए। तो सावधान, ठीक ठाक तरीके से प्रोडक्ट मंगाएं, आप इंटेलिजेंट हो, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बॉक्स जो है सील पैक मुझे भेजा गया था, जैसे कि सेलर ने मुझे ये इमेज भेजा था, देखो आप, और मुझे ऐसा मिला, मतलब बॉक्स का सील खोला गया है, फिर इसको बबल पैक में ऐसे रैप करके भेज दिया गया है। प्रोडक्ट है या नहीं कुछ भी पता नहीं मुझे। अच्छा, ये देखो ऐसे सील पैक था, ये इस सील को तोड़ा गया है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। हमारा इस छोटे से पैकेट को खोल के कस्टम्स का देखना बहुत ही ज़रूरी है, इतने बड़े बड़े पैकेट आ रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं, जाने दो। आईफोन AC सेकेंड जनरेशन, और ये प्रोडक्ट रेड कलर में, ये प्रोडक्ट RD, ठीक है। ये कुछ इनका अफ्रीका में कुछ इनका प्रोजेक्ट चल रहा था कि शायद रेड, मुझे ठीक याद नहीं है, ब्लड डोनेशन या तो फिर कोई मतलब ह्यूमन सोशल वर्क के ऊपर इन्होंने ये फ़ोन डेडिकेटेड किया था, और इस हिसाब से ये फ़ोन को इन्होंने लॉन्च किया था। कुछ जैसे कि सोचो एड्स हो गया, या तो फिर कोई दूसरा ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो गया, उसके लिए यही फ़ोन लॉन्च किया गया था। मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, अगर मैं हो सके तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूँगा कि किस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट रेड लिमिटेड एडिशन है। चलिए पीछे से एक बार देख लेते हैं कैसा है फ़ोन का बॉडी स्ट्रक्चर।
को खोल के उन्होंने यहाँ वहाँ रख के ये काम किया उन्होंने, ठीक है। ये कैमरे के ऊपर तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लो पावर मोड दिखा रहा है फिलहाल, इसको मैं सेटअप करता हूँ इंग्लिश में, बहुत ही कम पावर में है। तब तक एक्सेसरीज की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल मिला हमें, यहाँ पे पेपर वगैरह ये सब कुछ, और एक USB-C टू लाइटनिंग पोर्ट मिला हमें, ठीक है। केबल की क्वालिटी अच्छा है, कोई इशू नहीं है केबल में। बार बार ये लो बैटरी दिखा रहा है, कोई स्टॉप सेटअप मैन्युअली, ठीक है। प्रेफर्ड लैंग्वेज कंटिन्यू करता हूँ, ओके। यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिलहाल फ़ोन जो है वो ठीक है, फ़ोन का डिस्प्ले भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी ये था फ़ोन का सिंपल अनबॉक्सिंग। फ़ोन जो है आप पहले भी देख चुके हैं, इसका वैसे सिनेमैटिक शॉट वगैरह ये सब लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोन का साइज़ जो है बहुत ही लुभावना साइज़ है, इसी साइज़ में कोई भी फ़ोन होना चाहिए। इससे बड़ा साइज़ हाथ के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये इनका एक स्पेशलिटी है यहाँ पे, जैसे कि यही चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे मैं जैसे बटन दबा रहा हूँ देखो, तो कुछ मेनू आ रहा है, लेकिन असल में ये बटन दब नहीं रहा है। ये इसका हैप्टिक जो है, ये मेरे ख्याल से ये इसके जनरेशन का लास्ट ऐसा मॉडल है। आप आईफोन 8 में ब्लैक मॉडल में, उसमें भी ऐसा हैप्टिक था कि बटन फिजिकली कोई प्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि ये प्रेस हो रहा है, ऐसा शानदार इसका हैप्टिक है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, आपको डायरेक्ट लगेगा कि कोई बटन को आप प्रेस कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं प्रेस कर रहे हो, जस्ट इसका हैप्टिक काम कर रहा है, लाजवाब, ठीक है। फ़ोन की तरफ से तो थम्स अप है, और सेलर के लिए भी थम्स अप है, सप्लायर के लिए ऑन टाइम डिलीवरी है, लेकिन भाई साहब ये फेडेक्स के लिए कुछ नहीं। इनके साथ जब भी आता है, शायद मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए कि गलती किसका है, फेडेक्स का है या इंडियन कस्टम्स का, पता नहीं। कस्टम्स के गूगल पेज पे अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे नेगेटिव वहाँ पे फैला हुआ है, तो मुझे भी अभी भी डाउट है ये लोग कुछ यहाँ से आमदनी कर रहे, कुछ यहाँ से रोज़गार इन्होंने किया है, इनसे इनका कोई चक्कर है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये चीज़ कुछ काम का लगा हो आपको तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं, सब्सक्राइब लाइक आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यार पीछे की साइड पे काफ़ी सारे मार्क बना दिए उन्होंने। सब्सक्राइब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।